सेल सेल भाई दोबारा से लगने वाली और भाई एकदम मजा आने वाला है क्योंकि भाई हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है और रिपब्लिक डे में भाई हमारे को ऐसे खुशी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो भाई अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोबारा सेल लेकर आ रहा है, मैंने बोला भाई आप लोग बताते हैं इस बार सेल में कौन कौन से फोन सस्ते कर रहे हैं लोग और भाई कौन से लेने चाहिए क्योंकि भाई आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में बरसात होने वाली दोबारा पैसों की। आपकी नहीं होगी मतलब कम हो जाएगी ना, आप तो सस्ते में ले लोगे लेकिन मजा आने वाला है। तो जल्दी बता दो भाई आज आपको कि कौन सा फोन किधर मिलेगा और क्या सेल है किस तरीके की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब कर दो, या तो भाई हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं या फिर इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। तो आप सभी को भाई कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से भाई 1 मिलियन की तरफ चलते हैं और भाई जल्दी जल्दी वाला टारगेट भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो यार हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेल लगती है मेजरली, जो कि पहला अमेज़न दूसरा है फ्लिपकार्ट, और दोनों ही जो है भाई कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग लाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फोन के मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आईफोन कहीं पर मिल रहा होता है, कहीं पर कोई मॉडल आईफोन का मिल रहा होता है और वहीं पे कोई सैमसंग कहीं पे सस्ता मिल रहा होता है, मतलब अलग अलग सीन रहता है। अगर बात करें भाई यहाँ पे जिसकी डेट आ चुकी है ऑफिशियली वो है भाई फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की जो सेल आने वाली है बढ़िया तरीके से 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक की, जिस सेल को फ्लिपकार्ट ने नाम दिया बिल्कुल सरल और अच्छा था, रिपब्लिक डे सेल, काफी ज्यादा दिलों के करीब, काफी अच्छा लगता है देख के। और ये वाली जो सेल है इसके अंदर बता भी चुके हैं भाई लोग, मतलब टीज कर चुके कौन से फोन कितने मिलेंगे। अगर आप लोग भाई पेज पे जाते हो ना अभी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते, देखो अलग अलग स्मार्टफोन, जैसे देखते हो अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो आपको एक दिन अर्ली मिल जाएगा ऑप्शन, जो कि आपको 13 जनवरी की मिडनाइट से आप लोग स्टार्ट तो सेल पे बैठना और आप लोग प्रोडक्ट्स वहां से खरीद सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप फ्लिपकार्ट प्लस ले लेना और बन जाना, तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नीचे चलते हैं ना तो हमारे को 6 स्मार्टफोन दिखते हैं जो कि टीज करे गए हैं अभी, जिसके अंदर कि मैंने सारे ही स्मार्टफोन एक्चुअली यूज करे हैं। अगर सबसे पहले बात करूं ये है भाई सैमसंग का S21 FE 5G पर्पल कलर के अंदर, और ये सेम कलर हमारे पास फोन का है, ये वही सेम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आने वाला स्मार्टफोन है जो कि हमने खुद सेल में लिया था और इसके ऊपर अभी हमने वीडियो बनाई थी। भाई ये वाला स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत सस्ते में देखने मिलने वाला है सेल में, अभी अगर आप लोग MRP देखो तो भाई 40,000 रुपए इसकी, जो कि भाई इतना रेट पे नहीं मिलेगा ये फोन आपको, 30,000 रुपए मिलने वाला है दोबारा से सेल में। तो अगर आपका मन है भाई एक सैमसंग फ्लैगशिप लेने का तो भाई ये फोन अभी कभी पकड़ लेना क्योंकि दोबारा सेल में आए ना है कुछ पता नहीं। 30,000 रुपए के अंदर ये बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाती है जो कि सुपर एमोलेड पैनल है 120Hz का, बहुत अच्छे कैमराज देखने मिल जाते हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि एल्युमिनियम का फ्रेम मिलता है, मतलब ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप 30,000 की रेंज में सैमसंग का फ्लैगशिप लेवल वाला फोन ढूंढ रहे हो तो सस्ते में आपको सब चीजें लाइक IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग ये भी इसमें मिल रही है, तो एक अच्छा स्मार्टफोन है जरूर चेकआउट कर सकते हो और ये सेल में 30,000 के लगभग आएगा। एक चीज और आप लोग सुन लो, इन सभी स्मार्टफोन के बारे में हमने ना एक इंडिविजुअल वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके चेक कर सकते, जैसे कि S21 FE का रिव्यू देखना है, अगर आपको मोटो H40 Neo का देखना है, सब कुछ चैनल पर डाला हुआ है तो आप लोग देख लेना। सेकंड स्मार्टफोन भाई इस लिस्ट के अंदर हम लोग बेसिकली एंड्रॉइड साइड से स्टार्ट करें, आईफोन में ना बाद में चलेंगे, ऐसे थोड़ा सा रुको यार थोड़ा सबर करो, रिटेंशन तो बढ़ाना है तुम्हारे भाई को, चीटिंग करता है तू। तो यहाँ पे मोटो H40 Neo है भाई हमारा सेकंड स्मार्टफोन, ये भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन मुझे पर्सनली लगा और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि ये फोन ना अभी आपको अगर लेने जाओगे तो अराउंड 23,000 रुपए का मिलता है अगर फ्लिपकार्ट से लेते हो, लेकिन ये सेल में आने वाला और ये आपको 20,000 रुपए के लगभग मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट जो कार्ड वाले होंगे। और भाई 20,000 रुपए के अंदर इसके अंदर आपको 144Hz की POLED डिस्प्ले मिल जाती है, IP रेटिंग मिल जाती है, भाई बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये, एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, डिस्प्ले आपको 3D कर्व देखने मिलती है साइडों से, मतलब ये फोन बहुत प्रीमियम फील देता है, साथ में इसमें आपको वीगन लेदर वाला ऑप्शन मिल जाता है, मतलब भाई ये फोन सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास 20-22,000 रुपए का बजट है तो ये फोन आप लोग जरूर चेकआउट करना, आपको मजा आ जाएगा। थर्ड स्मार्टफोन है भाई Pixel 7a, ये आता है भाई Google की तरफ से। अब इधर Flipkart पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो बोला जा रहा है कि भाई ये है बेस्ट डील ऑन Pixel, तो ये आपको बेस्ट डील क्यों मिलेगी क्योंकि ये हमने जब लिया था अराउंड 34 का लिया था दिवाली सेल में और आपको अभी भी ना इतने रेट में मिलेगा 33-34। तो ये वाले स्मार्टफोन के साथ ना एक चीज आप लोगों को पता चलनी चाहिए वो ये है कि भाई इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा लगता है दिखने में, प्रीमियम डेफिनेटली लगता है भाई ये फोन, एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है 90Hz का, एक AMOLED पैनल है इसके अंदर आपको मिलता, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ओवरऑल जो हैप्टिक्स है वो फोन के बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन भाई फोन की सबसे बड़ी दिक्कत है क्या है वो है भाई इसके अंदर आप लोग परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम करने जा रहे हो या कुछ ऐसा सोच रहे हो गेमिंग कर लेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और साथ ही में कुछ कैमरा सैंपल्स देखो इस फोन के, ये ना लाइक ठीक है, मतलब मेरे को इसके कैमरा ना लाइक यार गूगल के ना मेरे को पसंद नहीं आते लेकिन काफी लोगों को पसंद आते हैं, सब्जेक्टिव चीज है यार, मेरे को थोड़े से पसंद है कि भाई थोड़ा सैचुरेटेड हो कलर, थोड़ा अलग लगना चाहिए, बट इसकी जो नेचुरल टोन रहती है थोड़ी स्किन टोन अलग रहती है, थोड़ी कॉन्ट्रास्ट वाली रहती है। तो अगर आपको एक पिक्सल वाली कैमरा की लुक चाहिए या और आपको एक फ्लैगशिप वाला फील चाहिए गूगल के फोन अगर आपको कभी चलाने हैं तो भाई ये आप लोग पिक्सल 7 जरूर चेकआउट कर सकते हो, बहुत एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट वही परफॉर्मेंस वाले पार्ट को एक बार निगलेक्ट कर देना क्योंकि वो आपको इसमें बेस्ट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे भाई आप एक फोन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वो मुझे पता है कौन सा है, वो है भाई एप्पल के साथ वाला, ये हमारा आईफोन बुलबुल का बच्चा। तो ये भाई हमारा आईफोन 14 और फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई ये वाला फोन आपको क्रेजी रेट पे दोबारा मिलने वाला है। अगर आप अभी लेने जाते हो तो अराउंड 60,000 रुपए की MRP चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम 128GB वाला, लेकिन भाई ये वाला फोन सेल के अंदर आपको फिर से 52 या 53 या फिर 55 का देखने को मिल सकता है। 3 मैंने रेट अलग अलग बताया क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, दिवाली वाली प्राइस अगर ये लोग मैच ना भी करें तो एटलीस्ट ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट तो हमें देंगे ही देंगे। तो अगर भाई ये 55 में भी आपको आईफोन 14 मिलता है तो भाई नेक्स्ट लेवल डील है, ग्रैब कर लेना, छोड़ना बिल्कुल मत, क्योंकि आपको इसके अंदर एक बढ़िया वाला 5G बैंड देखने मिल जाते हैं, कैमरा इस फोन के काफी ज्यादा अच्छे हैं, आपको इसके अंदर सेंसरशिप स्टेबिलाइजेशन मिल जाएगी, अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है इस फोन की, परफॉर्मेंस भाई बहुत तगड़ी है इस फोन की, तो मतलब हर एक चीज फोन में वेल सॉर्टेड है। तो अगर आपको 55,000 रुपए के अंदर मिलता है आईफोन 14 और भाई
सोचना भी मत, दूसरा बस ले लेना जाके, बहुत क्रेजी डील रहेगी मेरे हिसाब से, तो बेस्ट रहेगा। और साथ ही में इसके अंदर एक और चीज होने वाली है, वो ये है कि आईफोन 15 भी आपको सस्ते में मिलने वाला है इस बार सेल में ही, जो फ्लिपकार्ट करने वाला है। बेसिकली बोला जा रहा है आईफोन 15 अब तक के लोएस्ट में आ सकता है। तो आईफोन 15 का रेट अभी अगर आप देखो 70,000 रुपए के आसपास चलता है, बट अगर सेल में 65 का मिल जाता है और 65 से भी कम में मिल जाता है तो भाई और क्रेजी होगा। तो ये तो बात थी हमारे भाई फ्लिपकार्ट की। अब बात करते हैं भाई एक और बहुत ही ज्यादा तगड़ी ब्रांड, वो है भाई अमेजन की। अमेजन पे यहाँ पे भाई सेल दोबारा लगने वाली है, लेकिन अभी अमेजन का ना डेट स्पेसिफाई नहीं करी गई कब से कब लगेंगी। इस वाली सेल का जो नाम है वो है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। हाँ, ये भी काफी अच्छा लग रहा नाम सुनकर। और इसकी जो डेट्स अभी स्पेसिफाई नहीं करेगी, बट जल्दी ही लगेगी, आसपास ही लगेगी, जो फ्लिपकार्ट की होती है। और अमेजन के ऊपर हमारे को आईफोन 13 देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई बहुत क्रेजी रेट पाएगा। पिछले साल ही बोल सकते हैं, मतलब 8-10 दिन पहले जब हमारी दिवाली वाली सेल आई थी ना पिछले साल की 2023 वाली, उसके अंदर भी आईफोन 13 हमारे अमेजन पे मिला था। तो हमने भी ना दिवाली वाली सेल के अंदर आईफोन 13 46,000-47,000 में खरीदा था, और ये सेम हमने ब्लू कलर खरीदा, जैसे कि आप लोग देखते हो जो इसका हीरो कलर है। अब अगर ये दोबारा सेल में आता रिपब्लिक डे के, तो आप लोग मान के चलना कि इसी लगभग प्राइस के आसपास आएगा ये फोन, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, और यही रहेगा इसका रेट। तो एक अच्छा रेट है, और आईफोन 13 अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आईफोन 14 लो अगर आपको सेल में मिल जाता। बिकॉज भाई फ्लिपकार्ट क्या करता है, इनिशियली जो है रेट दे देता है बिल्कुल सस्ता, जो लोग कुछ लोग ले पाते हैं उसके बाद धीरे धीरे करके हर घंटे पे रेट बढ़ाता चला जाता है। इसलिए भाई कुछ लोग फिर खुद ना आके आईफोन 13 ले लेते हैं, जो डिफरेंस है बढ़ जाता है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको सेल के अंदर ये मिलता है तो ले लेना। बाकी एक और फोन है अमेजन के ऊपर जो हमारा एंड्रॉइड साइड में, और वो बहुत एक अच्छा स्मार्टफोन है, सैमसंग S23 5G, जो कि आपको बहुत एक अच्छे रेट में मिलेगा, अराउंड 50,000 रुपए तक में मिल सकता है सेल के अंदर, जो कि भाई उस फोन के लिए बहुत क्रेजी है। क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो कि भाई आज भी काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और एक अच्छा स्मार्टफोन है। बट एक चीज ध्यान रखना, इस फोन का लाइक जो साइज है उस वजह से ना ये छोटा स्मार्टफोन है, छोटे होने की वजह से इसकी जो बैटरी वो छोटी जाती है। इवन तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी हो गई थी, बट काइंड ऑफ जब आप इसमें हैवी टास्क करो थोड़ा सा फोन गर्म हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 थोड़ा सा वार्म हो जाता है, तो वो फोन थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई जल्दी गर्म सा हो रहा है और फिर आपको लगेगा कि बैटरी ड्रेन हो रही है। बट ये फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है इस फोन का, और परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी। सारी चीजें जो फ्लैगशिप लेवल वाली होनी चाहिए वो सब इस फोन के अंदर, क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो S23 5G को, ये सेल के अंदर और सस्ता हो सकता है। 50 तो कह रहा हूँ, 52 को तो भाई नॉर्मली मिल रहा था, अभी शायद आने वाले लाइक सेल के अंदर तो और सस्ता हो सकता है भाई, 50 से भी नीचे अगर आ गया भाई क्रेजी डील भाई उठा लेना बिना सोचे समझे, मस्त फोन होगा। तो भाई ये है भाई कुछ ज्यादा क्रेजी सेल ऑफर जो इस टाइम पर आने वाले, और मेरे हिसाब से आपको इन्हीं स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप लोगों का पैसा बढ़िया जाने लगेगा। और भी स्मार्टफोन बता सकता हूँ, बिकॉज और भी स्मार्टफोन हमारी, बट जो मुझे पसंद है मैं वही बता रहा हूँ। तो भाई आप लोग जरूर से यार चेकआउट करना, इस बार सेल में काफी अच्छे रेट्स आने वाले, और मेरे को डेफिनेटली बताना आप लोग क्या लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर हो चुके अब तक हो चुके होंगे, होप सो भगवान की दया से, आप लोगों प्यार एंड सपोर्ट से। तो बस यार ये वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।